फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही के 719वें उर्स का हुआ समापन, दूर दूर से आए लोगों ने की दुआएं। आप देख सकते हैं कि 12 नवंबर से उर्स चालू हुआ था हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही का, जो कि 16 नवंबर की रात 10 बजे इसका समापन हुआ, जहां रात के 12 बजे तक दरगाह शरीफ के अंदर रूहानी कब्बाली भी हुई। जहां आप देख सकते हैं कि हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही का यह आस्थान है, या दूर दूर से यानी कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग अपनी मन्नत लेके आए हैं, चादरें चढ़ाई, फूल चढ़ाए और दुआएं की, जो कि देश के अंदर बीमारियां खत्म हों। इसके अलावा जो दरगाह के चेयरमैन सैयद अफसर अली निजामी ने बुधवार की रात 11 बजे बताया कि बुधवार की शाम 6 बजे फातिहा शरीफ हुई और उसके बाद दुआएं की, और जो बाहर से जायरीन आए थे अपनी मुरादों को लेकर, उन सभी के लिए लंगर का प्रबंध भी किया और उसके बाद रूहानी कब्बालियां भी हुई। वह हम बता दें कि दरगाह शरीफ के अंदर दो जगह पर कब्बालियां देखने को मिली, एक हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही के मेन द्वार पर जो मेन आंगन है, जहां आप देख सकते हैं कि कब्बालियां हो रही हैं और लोग जो आ रहे हैं यहां पर मुराद लेकर, वह यहां पर कब्बालियां भी सुन रहे हैं। वहीं दरगाह के चेयरमैन सैयद अफसर अली निजामी की यहां भी रूहानी कब्बालियां हुई। वहीं हम बता दें कि 12 नवंबर से ये उर्स चालू हुआ था 719वां, जो कि बुधवार की रात 10 बजे समापन हुआ और उसके बाद भी यहां पर रूहानी कव्वालियां देखने को मिली, जो कि रात 12 बजे कव्वाली समाप्त हुई।